अगर खाने में स्वाद को बढ़ाना है तो लहसुन को डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि लहसुन अपनी महक से खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लहसुन का सही तरीके से सेवन करने से ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको लहसुन के सेवन का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। ऐसे में आपको लहसुन से जुड़ी हर जानकारी होनी चाहिए। लहसुन कब खाना चाहिए, लहसुन खाने के फायदे क्या हैं, किन लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। और ये जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए ये वीडियो देखना हर किसी के लिए जरूरी है। आयुर्वेद में इसे घर का वैद्य कहते हैं, क्योंकि ये कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। निमोनिया जैसे संक्रामक रोग और खून को पतला करने के लिए तो ये रामबाण से कम नहीं है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं और कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक लहसुन वात, पित्त और कफ को बैलेंस रखता है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है। इसे नेचुरल औषधि माना गया है जो कई बीमारियों के इलाज में कारगर है। साथियों, निमोनिया जैसे सांस संबंधी रोगों में लहसुन बेहद फायदेमंद है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण सांस तंत्र को साफ करते हैं और संक्रमण को कम करते हैं। लहसुन का सेवन बलगम को दूर करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आयुर्वेद में इसे कच्चे रूप में खाने की सलाह दी जाती है, ताकि इसका ज्यादा फायदा मिल सके। साथियों, लहसुन के सेवन से होने वाले फायदों की बात करें तो लहसुन का नियमित सेवन दिल को स्वस्थ रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। साथ ही लहसुन पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और गैस, अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे बीमारियों से बचाव होता है। अगर आप सर्दी, जुकाम और निमोनिया जैसी बीमारियों में लहसुन का सेवन करेंगे तो इससे आपको काफी राहत मिलेगी। और सबसे जरूरी, लहसुन डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है। लहसुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि लहसुन का सेवन कैसे करें। आप रोज सुबह 1 से 2 कच्ची कलियां खा सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। आप इसे भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन के इस्तेमाल करने का अगला तरीका है कि आप लहसुन के रस में शहद मिलाकर भी ले सकते हैं, इससे भी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हों या जिन्हें गर्म प्रकृति की समस्या है, उन्हें लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में करें तो ही उनके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो आपको लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। लहसुन आपकी ओवर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।